नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का ई समाज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर से आग्रह, सर मंच पर आए। हमारे बीच मंचा सिंह हो चुके हैं, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर शशिनाथ झा सर। अब क्योंकि हमारा एक परंपरा रहा है, एक संस्कृति रही है, और संस्कृति है कि जब हमारे अतिथि मंचा सिंह होते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, और ईशमत परिवार की तरफ से मैं अभिनव जी से आग्रह करूंगा कि सर का एक पौधे कुछ भेंट स्वरूप देकर सम्मान करें। इस पौधे के साथ सर का सम्मान। और अब जो हमारे कार्यक्रम की आज की नींव है, पुस्तक का लोकार्पण, तो इसलिए अब ईशमात के मैं प्रभारी राहुल जी से आग्रह करूंगा कि वह मंच पर आए और जो आज की पुस्तक है वो सर को भेंट करें, और इसके साथ ही पुस्तक के लोकार्पण के बाद जो हमारी विषय वस्तु है, जो चर्चा है, वह प्रारंभ होगी। यह पुस्तक एक ऐसी पुस्तक जिसका मिथिला के लोगों को बहुत ही वर्षों से इंतजार था। जिस पुस्तक के बारे में आगे की परिचर्चा से आपको पता लगेगा कि यह मिथिला के जो अतीत है और अतीत से आज आधुनिक इतिहास तक आप सभी का मील का पत्थर साबित होगा, जहां कई लोग यह बात करते हैं कि मिथिला का इतिहास क्या है, मिथिला का जो राजवंश का इतिहास है, जो अंतिम यहाँ की राजवंश थी, उसका इतिहास क्या है। कई सारे इतिहास पर विचार विमर्श होते हैं, लेकिन उन किताबों में यह किताब जो आज लोकार्पण हो रहा है, खंडवाला राजवंश, वह एक मील का पत्थर साबित होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो शोधार्थी है उनके लिए तो यह एक अमृत समान पुस्तक है। तो इस पुस्तक पर विशेष जो हमारा कार्यक्रम है वो परिचर्चा और चर्चा के दौरान इस किताब में जो बातें, जो मूल बातें लिखी गई हैं, वो आपको विचार विमर्श के दौरान पता चलेगा। अब मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मंचासीन हो जाएं। सबसे पहले मैं एक बार फिर से पुनः अभिनंदन करता हूं आप सभी का कि आप इस हमारे ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमें स्नेह देने के लिए आप लोगों का ईशमात परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। किताब का जो अगला इस कार्यक्रम का पड़ाव है वह है हमारे किताब की मूल स्वरूप क्या है, विचार विमर्श क्या है, इसमें स्रोत क्या लिखे गए हैं, और कई सारे आपके मनों में प्रश्न होगा कि किस तरह से इस किताब को पुनः संपादित करके जो हमारे सामने तथ्य रखा गया है, मिथिला का इतिहास। मिथिला का इतिहास मतलब राजवंश का इतिहास, क्योंकि हमारे जो अंतिम राजवंश थे उस राजवंश के इतिहास में काफी छेड़छाड़ करने को देखा जाता है। कई जगह जो है वह ऐसी बातें, भ्रामक बातें की जाती हैं जिसका खंडन करना एक ऐसे ही विद्वत मन से जायज बन जाता है। तो इसलिए आज ईशमात ने आपको ऐसा एक विद्वत मंच दिया है जिससे आपको पता चलेगा कि जो हमारा खंडवा राजवंश की जो आमूलचूल बातें थी वो क्या थी, और कैसे यह राजवंश बढ़ा 1500 ईस्वी के बाद से जो यह राजवंश अभी तक आधुनिक युग तक चलता आ रहा है, उस राजवंश की बातें क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है। इस विचार विमर्श के लिए आज जो हमारे साथ हमारे संपादक महोदय जी से बात करने के लिए मुखातिब होंगे, वो मैं प्रसिद्ध इतिहासकार सुशांत भास्कर जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और वह इस किताब की जो मुख्य बातें हैं वो संपादक महोदय से विचार विमर्श करें। अब चूंकि हमारे जो आज के विचार विमर्श करता है संपादक महोदय, जिनसे मैंने आपको रूबरू कराया, और हमारे साथ वरिष्ठ इतिहासकार जिनका मिथिला के कई स्रोतों पर बहुत सारा शोध है, वो अब इस किताब की जो मूल बातें हैं, खंड वाला राजवंश, माननीय मुकुंद झा बख्शीकृत मिथिला भाषा में इतिहास, मैं उन्हें सुपुर्द कर रहा हूँ, और इससे संबंधित वह जो प्रश्न है, जो कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे इस किताब से लेकर, क्योंकि यह कम समय में, यह लोकार्पण से पहले ही किताब बहुत ज्यादा चर्चित हो उठी है, तो इसीलिए इस पर जो परिचर्चा है वो जायज बनती है।
सुशांत धन्यवाद संतोष जी, और सचिनाथ सर से हमने मिथिलाक्षर की ट्रेनिंग ली है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम मिथिला भाषा में इतिहास महामहोपाध्याय मुकुंद झा जी वत्सीकृत पुस्तक के लोकार्पण के बाद विमर्श के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए इस समाज प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः यह पुस्तक खंडवला राजवंश मिथिला भाषा में इतिहास नवम विश्राम खुला है। यह पूरी पुस्तक मिथिला भाषा में इतिहास महामहोपाध्याय मुकुंद झा वत्सीकृत पुस्तक को संपादित किया है गुरुदेव शशिनाथ झा सर ने। अभी हम मुख्य रूप से यहाँ पे मुकुंद झा बख्शी जो इस किताब के लेखक रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह पुस्तक मिथिला भाषा में इतिहास पर चर्चा करेंगे और संपादक महोदय के बारे में चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में अंत में यहाँ अंतिम कवर पे लेखक के बारे में चर्चा की गई है कि मुकुंद झा बख्शी बहुत बड़े विद्वान थे। मुकुंद झा बख्शी का जन्म गंगा हेडपुर में हुआ था। काशी क्वींस कॉलेज से इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में धर्मशास्त्र के पद पे आसीन हुए, अध्यापन कार्य किया। लंबे समय तक अध्यापन कार्य करते हुए ये बरेली ग्वालियर आदि जगहों पे घूमते रहे और फिर गांव आ गए और फिर अंतिम काल तक इनका लेखन चलता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिला भाषा में इतिहास के पहले लगभग 1.5 दर्जन के आसपास उन्होंने किताबों का लेखन कर लिया था महामहोपाध्याय मुकुंद झा बख्शी। तो यह जो पुस्तक है जो महामहोपाध्याय मुकुंद झा बख्शी की मिथिला भाषा में इतिहास है उसकी चर्चा करते हुए अब हम मिथिला भाषा में इतिहास पर आएंगे तो हम मैथिली में आ रहे हैं क्योंकि मूल पुस्तक मैथिली भाषा में लिखी हुई है और संपादन का कार्य भी मैथिली में ही देखने में आ रहा है। ये जो पुस्तक है मिथिला भाषा में इतिहास के संपादित किया गया है और मुकुंद झा बख्शी के तुलना हम कवि कोकिल विद्यापति से कर रहे हैं। कवि कोकिल विद्यापति के द्वारा जो रचित ग्रंथ है संस्कृत में बहुत बेसी रचना के लिखिन हो, लेकिन उनकर प्रसिद्धि अभट भाषा अर्थात मैथिली के लोक भेलें जे पदावली गाम घर में गायल जाय छे। वही तरीके मुकुंद झा बख्शी के जतेक ग्रंथ छें सबका ग्रंथ संस्कृत में छें और एकमात्र ग्रंथ मिथिला भाषा में इतिहास जे छे से मैथिली में छे और एक पुस्तक में मिथिला भाषा में इतिहास पुस्तक में कर्मकांड सेहो छै, धर्मशास्त्र सेहो छै, साहित्य सेहो छै, बहुत विधा छै। इमे मुकुंद झा बख्शी कृत मिथिला भाषा में इतिहास में 15 टा विश्राम जकरा हम अध्याय कह सकै छियै 15 टा विश्राम छै और परिशिष्ट में कर्नाट राजवंश के चर्चा छै, ओइनवार राजवंश के चर्चा छै और मिथिला भाषा में इतिहास के पुस्तक छै संपूर्ण पुस्तक खंडवला राजवंश के इर्द गिर्द घूमित रहलिए। प्रथम विश्राम से लकर 15 विश्राम तक संपूर्ण चर्चा छै। ओइ पुस्तक में संस्कृत के शब्द छै, फारसी के शब्द छै और हिंदी के शब्द छै, अर्थात 3 टा भाषा के प्रयोग कैल गेलैए मिथिला भाषा में इतिहास में। ई जे पुस्तक अछि एक पुस्तक के देखला से बुझा रहल है 364 पृष्ठ में किताब के संपादन कैल गेल है। इस समाज प्रकाशन से आयल है, बहरायल है पुस्तक। किताब के दाम 599 टका है और शोधार्थी के लिए मिथिला के इतिहास पर संस्कृति पर काज करनिहार के लिए निश्चित रूप से एक मूल पुस्तक हेते, आधार पुस्तक हेते, क्योंकि मिथिला इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड छै जकरा बारे में अखन चर्चा के लेख संतोष जी जे खंडवला राजवंश के बारे में बहुत रास जानकारी उपलब्ध नहीं छलै है
संपादन के बाद गुरुदेव के द्वारा जो पुस्तक अलै है, ए पुस्तक के बारे में गुरुदेव से हम चर्चा करो चाहे छे जे एकर संपादन के विचार के संगे संपादन करो काल में कौन तरह की समस्या अलै, क्योंकि किताब ए किताब के रचना ऐसे 100 साल पहले लगभग हो चुकल छलै है। 1936 में किताब बहरायल छै और 1930 के दशक में जे पुस्तक के प्रकाशन भेलै और 2020 के दशक में आबि के ओकर संपादन भ रहल छै, तो श्रीमान से हम पूछबे जे लगभग एक शताब्दी के अंतर जे आबि रहल छै और तहन ई संपादित भ रहल छै, तो श्रीमान के केहन समस्या के सामना करो पड़लै एक पुस्तक के संपादन कार्य में, से हम जानो चाहबे। श्रीमान कहल जाए। महामहोपाध्याय मुकुंद झा बक्सी के यही मिथिला भाषा में इतिहास पर पूर्ण नाम छे श्रीमत खंडवला कुल संबंधी मिथिला भाषा में इतिहास जकर संक्षिप्त रूप क के आई खंडवला राजवंश नाम से प्रकाशित भ रहल है। मैथिली भाषा में छले ते मिथिला भाषा में ओ दिन इतिहास त मैथिली में नहीं लिखल गेल छले परमेश्वर झा छले सबटा त ते मिथिला भाषा में कहलखिन मुख्यतः ई खंडवला वंशी राजवंश ठीक त एकर जैसे प्रकाशन के संबंध में स्वयं ग्रंथकार जे लिखने छथिन हुनका की कठिनाई भेलन ओ रचना कलन प्रकाशक क्यों ने नहीं भ सकलन और एहन संजोग जे घर में राखल छलन काशी में आ ओ चोरी भ गेलन पोथी नष्ट भ गेलन बड़ा दुखी भेला, तकर बाद किछ दिन का बाद आबि के फिर ओकरा पुनः तैयार कलन छब्बा जो भले तावत बहुत वृद्ध भ चुकल छला और काशी में पंडित ब्रजबिहारी झा छला मऊ बिहट के महारानी लक्ष्मीवती के दानाध्यक्ष तो वह जैसे एक रूप देखलखिन अपना जैसे लिखने छथिन जो हमरा आब अस्तित्व नहीं रहल ओ तरह के जे हम सक्षम नहीं छी से हमरा वार्धक्य जन्य बहुत रास त्रुटि है ठीक है। बर्तनी में की कहे हिज्जे तिजे में कैठा से गड़बड़ पाँचम विश्राम के बाद से फिर पाँचम विश्राम अनन्वित जका कैठा जैसे पदच्छेद में गड़बड़ कैठा अनुच्छेद में गड़बड़ और से सब छले परंतु छपल छले काशी में और चौखम्बा रखने छल हमरा सौभाग्य भेल तो दुर्लभ छे हमरा सब जहन काशी गेल हम भेटल पोथी ओकरा अध्ययन कलम तो ओहिमे जे पाठक के दिक्कत हेतन से कोन कोन प्रकार के दिक्कत हमरा भेल तो अनुक ओ हेतन दिक्कत तो हमरा भेल जे पहिने तऽ संस्कृत के शब्द ततेक कृष्ट शब्द सब दऽ देने छथिन बीच बीच में ओना भाषा हुनकर बड़ परिच्छिन्न मैथिली ठेठ मैथिली परंतु ओ कहै छथिन पुरन्दरपुरा अतिथि भेलाह आब स्वर्ग गेला से नहीं कहि कऽ मैत्र क्रिया से निवृत्त भेला मैत्र क्रिया से दीर्घ शंका भेले इके बुझा संस्कृत में चले छे तो एहन एहन बहुत संस्कृत के शब्द संस्कृते नहीं फारसी शब्द जे बिला बिला कहे हमरा हुए बिला की छे तो बिना के अर्थ में छे बिला फारसी कोश से देख कर तो एना क अत्यंत जे अप्रचलित फारसी के शब्द से सब कैटा आबि गेल छै से कतौ ओतै आयल छै से विद्यापति ओहिना जहाँ जवन के वर्णन भेलै कि उर्दू सब संस्कृत पता काम आबे लागल आ फेर एम्हर राजा शिव सिंह के वर्णन आयल अथी लेलक फेर एम्हर चलेला तहिना हिनका ओकर वर्णन से दोसर बात जे कहै छै आइ काल्हि मे लोक यथार्थवादी है ओहिसे बेसी यथार्थवादी के है जे ओ जकर भाषा जे छै आब यमन कहलकै सुल्तान बजले ओकर भाषा ओहने भाषा ओ लिख देलखिन ओकरे शब्द में ये तो वार्तालाप के श्रीमान पुस्तक में छे तो ये वार्तालाप के भाषा हिंदी छे से मतलब छे ना से बात जे कर जे छे जे महाराज बजे छथिन तो मैथिली में बजे मतलब करे छे ओ कहे छे तो ओ हिंदी में बजे छे फारसी में कहे छे ते एक प्रकार जे भेल तो ओ शब्द सब हम चुना लगलौ और विषय क्रम विषय सूची छलै हे ते विषय सूची बनवलौ ओकर और क्रमबद्धता जैसे लगाओल उन अच्छे ही क्रमबद्ध है लेकिन वो इस सब कठिनाई भेल और एक और है ना साके शब्द के इस्तेमाल छे पूरा पुस्तक जिस साल 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 के शब्द चर्चा करा जैसे उनसे सह करने छथिन लिखियो देने छथिन
ये जवन के जवनाब छी, परंतु हमरा सब जहन अनुसंधान केलू हैं तो जवनाब जे हमरा मिथिला में चले है वो जे छी सहर्ष संबत छी। मुसलमान के कोनो संबत ओय समय में चलबे ने केले कोनो, मुसलमान के इतिहास में छैये ने वो हमरा फसली सन जे अछि से वो ओकर शासन छले वो साल चले छले ते द्वारे जे से जवनाब कहलनि सब, परंतु जे से छी मिथिला वह सन जे से चलिए बंगाल तो बंगाल कहिए, और वो आसाम में चले हुए तो भास्कराब कहबे भास्कर वर्मा रहती राजा, लेकिन एक छी तो से सब छै कठिनाई भेल ओकर बढ़िया जका ठीक ठाक के बर्तनी ठीक क के संपादन केलम। हुनकर बर्तनी बेसी नहीं जे प्रूफ संशोधन में जे गड़बड़ी छले ओकरे हम जे से कैल और हुनका हुनका में हम छेड़छाड़ नहीं तो अपने में लिखने छी एक ठमन जे एमे जे छै से हम जे टिप्पणी कयल वहां से इटैलिक शब्द में छै और इटैलिक में प्रस्तुत संकलन में जोड़ल गेल अछि। संपादन के दृष्टि से ओहि दिन में पंडित के एना एना एतेक जे से आधुनिकता पंडित में देख नहीं सकै छी, जते संदेह तते टिप्पणी टिप्पणी दर टिप्पणी से ओकरे छथिन से बहुत ठाम ओकरा जे से ठीक ठाक के लिए ओहि पन्ना टिप्पणी ओहि पन्ना में चल गेल छले छपै में करा दिक्कत भेल छले त तकरा जे से के लिए छले श्रीमान अपने ही के लिए त जना मिथिला भाषा में इतिहास के अपने खंडवला राजवंश और केना की चर्चा के लिए से पूरा विस्तार से अपने कहलिए है। मिथिला भाषा में इतिहास एकटा ऐतिहासिक ग्रंथ छे, इतिहास के लेल महत्वपूर्ण ग्रंथ छे, भाषा विषय इतिहास ग्रंथ के सेहो जानकारी हम एकरा नाम से बुझे छिए जे मिथिला भाषा में इतिहास, अर्थात इतिहास जे छे से मिथिला भाषा में छे या मिथिला भाषा के इतिहास छे, कंफ्यूजन हो जाए छे मिथिला भाषा में इतिहास, लेकिन हम जे मुकुंद झा बख्शी के मिथिला भाषा में इतिहास के अध्ययन केने छिए तो ओय में दू चारिटा चर्चा बड़ा महत्वपूर्ण अबै छै, स्थान के नाम के ल क जना अंधरा ठाढ़ी एखन हम सब कहै छिए तो अंधरा अठार रह के ओ देलखिन तऽ ठार रह तऽ ठाढ़ी गाम भ गेलै अंका तऽ गाँव के एहन एहन चर्चा आबि जाइ छै। फिर परीक्षा के जे परम्परा छलै एहिठाम के शिक्षा व्यवस्था में ओहि परम्परा के चर्चा आबि जाइ छै, कुलीन और सामान्य उच्च वर्ग में जे विहवा प्रथा छलै तकर चर्चा बड़ा विस्तार से कऽ रहल छथिन मुकुंद झा बख्शी अपना में। बीरू खवास के पॉलिटिकल हिस्ट्री के जखन हम गप करै छिए तो दरभंगा के क्षेत्र कत तक छलै ओकर चर्चा पूरा आबि रहल छै पुस्तक में, और एक पुस्तक में ओकर संगे संगे आबि रहल छै जे स्थानीय स्तर पर जे विद्रोह भेलै बीरू खवास के जे विद्रोह भेलै तकर ही चर्चा बड़ा विस्तार से केलखिन, और समकालीन ग्रंथ सब जे छै ओहि सब में एहि तरीका के चर्चा नहि आयल छै। तो तरह तरह के जे उदाहरण देल गेल छै एकरा अपने ऐतिहासिक मान मानलिए या की केलिए ओहि उदाहरण सब के एहि पर कनी अपने विचार। अनेक दृष्टि से देखल जाइए ग्रंथ के इतिहास सोझे राजावली उतारि देबै से नहीं छै, इतिहास जैसे सामाजिक इतिहास होइ छै, सांस्कृतिक इतिहास होइ छै, भाषा के इतिहास होइ छै, अब ई जैसे सबटा के एक इतिहास सोझे वंशावली नहीं ओ की केलखिन तऽ ओ फला छला आ हुनका संगे जे घटना सब भेलै ने तकर जे विश्लेषण ओ केलखिन से धार्मिक विश्लेषण हुए, सामाजिक विश्लेषण हुए, भाषा संबंधी विश्लेषण हुए, तऽ सबटा के विश्लेषण एतेक सूक्ष्म विश्लेषण केलखिन तऽ एकर जे स्रोत हिनकर छलै ने ताहि पर हम अबै छी जे आन जतेक इतिहासकार छथि ओ सब अधिक की तऽ किंवदंती भेल चाहे वृद्ध मुख से सुनल भेल एहि पर आधारित छथि, लेकिन हिनकर जे छनि से बड़ पैघ आधार ई छनि जे हिनकर पूर्वज जे छलखिन से ओहि खंडवला राजवंश के जे से सेवा छन जी जी से महेश ठाकुरे से लऽ बल्मी झा जे छलखिन हिनकर प्रसिद्ध से ओ कन्हैया झा बल्मी झा पूरा महेश ठाकुरे से ओहि दिन से ओहि वंश के लोक ई राज से संबद्ध जी आ ओ सब जैसे प्रमुख पद पर निजी सचिव के पद पर मो साहब कहै छथिन माने प्रिय पात्र राजा के सबसे प्रिय पात्र जे भेलै से मो साहब ओ हुनका लग में बैसथिन हुनका संगे भोजन करथिन एतेक निकट तो ओ की करै छलखिन ओ डायरी लिखै छलखिन ओहि दिन में डायरी कम गोटा लिखै छल जवन सब लिखै छल एम्हर परम्परा पंडित में नहि छलै ओ सब लिखै छलखिन जतऽ जे भेल घटना तकरा ओ
से निर्देश छे कि जे छे वही छे सिर्फ सब राजा के हित गेल छी हित गेल छी महाराज झा गोकुलनाथ झा ई सब पूरा परंपरा चलित रहे परंपरा चलित रहे बाबू सेना पर से भेल छी भेल छी जिनका घर में ओ वही छे ओ वही जैसे आधार हुनका पर लिखे के एते के विश्लेषण कर छी ओते दिन में जाकर नहीं देखते जे महेश ठाकुर के की लगले ओ विवाह जे करे से कोन परिस्थिति में विवाह केल छी से जे ओ लिखल छी ओ आधार छले हिना ककरो सुने सुनाए ओ नहीं लिखने छै ई तो बड़ पे लिखित प्रमाण है से हुनका लग छले में दोसर बात जे बहुत पुस्तकालय हुनकर संबंध छै और पुस्तक सब के आदि भाग अंत भाग शारदा मंदिर की स्थापना केलखिन अपना सिकलखिन तो ऐतिहासिक तथ्य जे हुनका ग्रंथ सब में प्राचीन विद्वान सब के ग्रंथ में से चंडेश्वर ठाकुर रहै विद्यापति रहै कि आन आन कोनो विद्वान थे तो हुनकर सब के से स्रोत हुनका छै और किंवदंती तो छै है प्रसिद्धि तो छै है तो एहि प्रकार हुनकर जे से ई आधार भेलै से बढ़ गई और हुनकर हमरा जे किछु बेसी एहिमे प्रवेश भेल से हिनकर इतिहास के एक बेर और हम ही लिख कयलहुँ हन ओहि पर काज होइत रहल है एहि से पहिने गौरीनाथ मिश्र भास्कर से शोध कयलहुँ और ओ ग्रंथ छपो गए एहि पर मुकुंद झा बक्सी पर मिथिला भाषा में इतिहास पर जिस हुनकर ग्रंथ देने छला ओनाहते हम तो ओहिमे जे से बहुत तथ्य एहि ग्रंथ के हिंदी भाषा में अयलै है तो ओहो हमरा आधार भेल और इतिहास के जे से प्रमाणिक एहि द्वारे मानल जेतै लिखित स्रोत छै लिखित स्रोत छै बिल्कुल ई बात जे से न परमेश्वर नाथ छलै ने न श्यामानंद सिंह के छलै ने किंतु ई आधार किनको ने छलै ने जे बिल्कुल तै एतेक विस्तृत एतेक जे से सब पक्ष के लैत घटना पर विश्लेषण करैत ओ सामाजिक घटना रहै चाहे हुनका वैयक्तिक रहै चाहे राजनीतिक रहै तकर विश्लेषण एते जे करतै से कल्पना से तक इतिहास में कल्पना के गुंजाइश कल्पना के गुंजाइश नहीं है इतिहास में यथार्थ के होइ छै से यथार्थ तो स्रोत भेटै तहन ने से हुनका स्रोत भेटले श्रीमान एक सर पे कनी हम चाहब एकटा चीज और चर्चा करै छी अपने एखन श्याम नारायण सिंह के चर्चा के लिए श्याम नारायण सिंह के किताब 1922 में आयल छै हिस्ट्री ऑफ तिरहुत हिस्ट्री ऑफ तिरहुत जे छै से इतिहासकार के बीच में इतिहास ग्रंथ के बीच में एक महत्वपूर्ण स्रोत मानल जाए छे प्रारंभिक पुस्तक छे हिस्ट्री ऑफ तिरहुत 1922 के बाद 1936 में मुकुंद झा बक्सी के मिथिला भाषा में इतिहास एलन है दुनू ग्रंथ के बाद तेसर ग्रंथ आबि जाए छे 1938 ईस्वी में दरभंगा राज में एक मराठी महिला छलखिन है गंगाबाई गंगाबाई से मिथिला के इतिहास मराठी भाषा में लिखने छथिन मतलब प्रारंभिक तीन टा किताब जे छै से मिथिला के 1930 के दशक तक आबि चुकल छै चारिन किताब एकटा बड़ा महत्वपूर्ण किताब छै हुनको अपने चर्चा के लिए है परमेश्वर झा के मिथिला तत्व विमर्श मिथिला तत्व विमर्श और मिथिला भाषा में इतिहास दुनू मिथिला में अध्ययन कयल जाइ छै मैथिली भाषा के छात्र सेहो पढ़ै छथिन इतिहास के छात्र सेहो पढ़ै छथिन तत्कालीन इतिहास लेखक के रूप में एहि दुनू इतिहासकार के नाम या इतिहास लेखक के रूप में चर्चा नहि अबै छै एहि पर किछु कहल जेतै अपने द्वारा देखो रचना जे भेलै से ई छपलै बाद में परमेश्वर झा छपने बाद में रचना भेलै ओहि समय में किया तऽ ई जे केलखिन है 36 ईस्वी तक महाराज साहब भवै छलै महाराज था महाराज के रूप में ई ग्रंथ में हिनका चर्चा नहि अछि मिथिला भाषा में इतिहास में राजकुमार कामेश्वर सिंह एतै तक पहुँच गेलै जी ओ 21 ईस्वी में पूर्ण कऽ चुकल छलै ई बंद भऽ गेल तकर बाद दुनू के प्रकाशन बाद में भेलै चाहे मिथिला भाषा में इतिहास हो या मिथिला तत्व विमर्श हो मिथिला तत्व विमर्श के पहिने एकटा और बहुत पैघ विद्वान रहलखिन हैं चंदा झा चंदा झा के सेहो बहुत पैघ कंट्रीब्यूशन छै मिथिला के इतिहास में पुरातत्व में हुनको ऊपर बहुत काज नहीं भेल छै ओहि दृष्टिकोण से तऽ ए तीन टा जे व्यक्ति छथिन चंदा झा से लऽ कऽ परमेश्वर झा तक बीच में महामोहराज मुकुंद झा बक्सी आबि जाइ छथिन पुस्तक प्रकाशन के क्रम में तऽ ए तीनों के ऊपर मिथिला के इतिहास में निश्चित रूप से काज हेबाक चाही और एकटा और सवाल हम अपने से पूछब लेकिन ओहि से पहिने जे अपने चर्चा के लिए जना माधव सिंह जन्म और राज्य प्राप्ति अब माधव सिंह के समय में बक्सी जी नहीं छलखिन हैं लेकिन अपने जे कहलिए जे डायरी लिखल जाय छलै है कोई डायरी के उद्धरण के तरीका से में कोई कथा लिखल गेल छै तो ई जे स्रोत भेलै
स्थानीय इतिहास लेखन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में एक हम स्वीकार कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स के रूप में एक हम स्वीकार कर सकते हैं। जखन मिथिला के इतिहास के लेखन हेतु तहन एक हम स्वीकार कर सकते हैं। संगे संग मुकुंद झा बख्शी के जे मिथिला भाषा में इतिहास के जे अध्ययन कैल गेल छे पूर्व में, या मुकुंद झा बख्शी व्यक्तित्व एवं कृतित्व गौरीनाथ मिश्र भास्कर के जे पुस्तक के अध्ययन केने छिए हम, ओहि में दूटा चीज आबि जाए छे। ओ दुनू गप ई छे जे मिथिला भाषा में इतिहास के फुटनोट सेहो देल गेल छे, जेकरा हम आइ संदर्भ सूची के रूप में लै छिए कोनो आलेख में कोनो पुस्तक में, जे फुटनोट्स के बिना आलेख शोध आलेख स्वीकार्य नहि होइ छै। ओहि समय में फुटनोट्स एलै, संस्कृत के किछ शब्द छै, संस्कृत के किछ श्लोक छै, ओहि संस्कृत के श्लोक के अपने जे छै से मैथिली में के लिए यै, फिर फारसी शब्द छै ओकरा अपने अनुवाद के लिए यै, मैथिली में जे छलै तकरा रह देलियै यै, हिंदी के जे शब्द छै ओकरो अपने अनुवाद के लिए यै, के लिए से अपने समझानो के कोशिश करब। और फुटनोट्स में जे चर्चा छै महामहोपाध्याय मुकुंद झा बख्शी अपन तमाम फुटनोट्स में व्याकरण, धर्मशास्त्र, भाषा, संस्कृति, परंपरा सब चीज के चर्चा कर रहल छथिन। गाम घर में जे गप होइत रहे छै ओकरा बारे में लिखित रहे छथिन, संगे संग सब के विवरण प्रमाण सहित दै छथिन, कोन पुस्तक से उठेलखिन हँ, कोन कतौ लिखल गेल छलै, एहि सब चीज को लऽ कऽ चलै छथिन। तऽ हमरा बुझने जे ई केवल ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं छै, ऐतिहासिक ग्रंथ के अलावे अपने के संपादन के बाद खंडवला राजवंश के बारे में पर विशेष रूप से जानकारी पड़ते ये हम स्वीकार कर सके छी। अपने की पुस्तक प्रकाशन के बाद इतिहास ग्रंथ के संगे संग चूंकि फिर से सुलभ भ जेते, बहुत दिन से मिथिला भाषा में इतिहास जे छै से बहुत पहिने प्रकाशन एकर भेल छलै या मार्केट में नै छै, आउट ऑफ प्रिंट छै, त अपने के संपादन के बाद हमरा बुझै छै जे ई पुस्तक नै केवल इतिहास के छात्र के लेल उपयोगी हेतै, बल्कि धर्मशास्त्र के जे पढ़निहार छथिन, संस्कृत साहित्य में जिनकर रुचि छै, व्याकरण में जिनकर रुचि छै, बा जे केओ अध्येता छथिन मिथिला के इतिहास पर जे केओ काज कर रहल छथिन, मैथिली पर जे केओ काज कर रहल छथिन, सबके लेल निश्चित रूप से ही फुटनोट्स के कारण उपयोगी भ जेतै। एहि पर अपने की कहबै श्रीमान? ओ तऽ शास्त्री उड़ेल देने छथिन जतौ एलै यऽ, आ कहै छथिन झा झा कोना आयल, ओकर व्युत्पत्ति देखबा लगलखिन, निरुक्त शास्त्र के आप वर्णन करा लगे कि निरुक्त में छे तीन प्रकार शब्द के परिवर्तन छे। एक तो प्रत्यक्ष वृत्ति बन गए कारक क्रिया अप कारक बन गए, एक परोक्ष वृत्ति बूढ़ उम्र वो बोढ़ा बहदात से बोढ़ा बन गए कने लगे छे परोक्ष जेका, आ अति परोक्ष वृत्ति झा जन उपाध्याय से झा के कत उपाध्याय कत झा ततेक हट गए जे लगे छे जे ओकर नहीं छे, तकर चर्चा निरुक्त से केलखिन। अहिना कऽ कऽ आनो आनो मिश्र शब्द छै, मिश्र के की व्युत्पत्ति है, तकर बाद से संस्कृत के एहन एहन खास शब्द छै रूढ़ शब्द, तकर जे से ओ व्याख्या केलखिन जे ई सब से भाषा तत्व के जे से जन्महार जे छै व्युत्पत्ति से कहै छै, तकर हैत स्मृति के बड्ड उद्धरण देलखिन प्रमाण जे एहन स्थिति में एहन हेबाक चाही। कहै छै जे पंचग्रासान महामुनि आ बख्शी जी गेलखिन माधव सिंह के जे अहाँ चलू, ओ नहीं अबैत भोजन केलखिन, गपो करबाक छलै तऽ भोजन काल में छै जे मौन व्रत धारण करी गप नहीं करी बहुत नहीं करी, तो से लिखलखिन पंचग्रासान महामुनि पांच कर तक शास्त्र कहि, पांच तक कर तो क्यों नहीं बजैये, पांच कर करो करी छी, एना कऽ कऽ जे से व्यावहारिक बात से शास्त्र द्वारा सिद्ध केलखिन धर्मशास्त्र के अनुसार है। आ काव्य के एहन एहन देलखिन, एकटा हिनके पूर्वज के रहथिन कुन्दन झा छलै जे कवि कविश्वर, हुनका कविश्वर कोना भेटलनि, तो एकटा महाराज कहलखिन जे एकटा आयल छथि हमरा एहिठाम से कवि कवि आयल छथि से हुनका परीक्षा अहाँ लियौ जे विदाई के पात्र छथि कि नहि छथि। ओ कहलखिन हम तऽ बड़ बूढ़ भऽ गेलहुँ, आब हम अबै जोकर नहि छी, परन्तु हम एकटा पद्य दै छी जे उल्टा पुल्टा दुनू चलतै, सुनटा पढ़ियौ तऽ हिंदी में छै आ उनटा पढ़ियौ तऽ संस्कृत भऽ जेतै, वएह आ दुनू अर्थ छै, एकर यदि से अर्थ लगा दैत जे एहन बना दैत जोड़ा लगा दैत तऽ हम तऽ कविश्वर कहल जाय हुनका, जँ अर्थो तक कहि दैत तऽ कवि कहियौ, सेहो जे नहि तऽ ठक छी।
तो एहन एहन जैसे काव्यों के एक तरफ देना चाहिए उकर अर्थ लोग के लगे नहीं चलिए जते गोटा से किछ हम और अध्ययन करित रही बड़का पंडित सब देलियन वो अर्थ नहीं लगवे नहीं लगा देने एहन छप लगल हम तैयार कल संपादन जे से 2001 ईस्वी एक संपादित कल रही तहिया से मैथिली अकादमी में घूमल नहीं क्यों कल हम परमेश्वर झा कल मुकुंद झा के किया छोड़े जे छन सब वो नहीं कल 20 साल लाइन के अपने के तक संपादन करो तकर बाद से कल्याणी ट्रस्ट में लगो दो वो कहने यह हो चे ई हो चे ई किताब छपते तकर बाद है अवश्य भजते आप हुनका भी से कि हम ही नहीं दौड़ सकल जे भले वो नहीं भ सकल क्या तो खंडवाला के छे हुनकर छे हुनके चीज छे आ तैयो न भ सकल तो वो तो ओहिना विश्वविद्यालय में कर लीजिए बंगला बंगाल विश्वविद्यालय है तो बंगला में छपै है तो हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय मैथिली में छापत की है छपने सब विरोधे कह दिल हम निश्चिंत भ गए आब नहीं है आप तो इस समाज को हम धन्यवाद दे छे जे हमर एते दिन का छले सपना असे साकार को आइ भेले आ चल आ दी अपने बहुत चर्चा के लिए एक है कि समाज के अपने धन्यवाद दिलिए हमरा काम में एकटा कहावत प्रचलित छे लोकोक्ति के रूप में जे आन पंडित के पोथी से मुकुंद के थोथी तो हमरा बुझने मुकुंद झा बख्शी अपना समय में महान छलखिन हैं हुनकर महानता की एकटा पुस्तक के अपने संपादित के लिए ये और नया तरीका सब हमरा बुझाय छे जे ए पुस्तक के प्रकाशन के बाद मुकुंद झा बख्शी के खंडवला राज के प्रति की छलेन हैं काज मिथिला के इतिहास में हुनकर की काज छलेन हैं केहन काज छलेन हैं समाज में आब आय लोकार्पण के बाद पाठक लग में पहुंचलें पाठक के पर प्रतिक्रिया दथिन और उम्मीद करै छी जे चर्चा में अपने के द्वारा जे देल गेले ये से सबके नीक लागल हेतै क्योंकि हमरा तो बहुत नीक लागल चूंकि अध्ययन के बाद की अध्येता एकरा बारे में कहते अपने चूंकि संपादन के लिए ये संपादन में की समस्या अयलै ये केना केना समस्या अयलै केना अपने ओकरा भोगलिए केना ओकरा फिर प्रकाशित भेलै ये इस समाज के माध्यम से अपने के द्वारा ही बहुत बहुत धन्यवाद जे ई समाज में अयलै ये और सब लोग एकरा स्वीकार कर